साथियों जोहार। 9 अगस्त 1995 को पहली बार विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। उसके बाद यह दिवस निरंतर पूरे विश्व में फैलता गया। हमारे देश में भी शहरों से शुरू होकर विश्व आदिवासी दिवस गांव-गांव तक पहुंच चुका है। फिर भी बहुत सारे आदिवासी आज भी नहीं जानते हैं कि विश्व आदिवासी दिवस आखिर 9 अगस्त को क्यों मनाया जाता है। आज मौलिक तौर पर मैं इसी पर बात करना चाहता हूं कि 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस क्यों मनाया जाता है और हमें विश्व आदिवासी दिवस क्यों मनाना चाहिए। यदि हम पूरी दुनिया में देखें तो दुनिया के 195 देशों में से 90 देशों में आदिवासी रहते हैं। पूरी दुनिया में 5000 विभिन्न आदिवासी नस्लीय समूह हैं जिनकी 4000 भाषाएं हैं। लेकिन सबसे ज्यादा आदिवासियों के अधिकारों का हनन हुआ है, आदिवासियों के साथ सबसे ज्यादा अन्याय अत्याचार हुआ है, उनकी जमीन जंगल इलाका खनिज संपदा को लूटने की प्रक्रिया निरंतर चल रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए विश्व आदिवासी दिवस मनाने की परंपराएं शुरू हुई, जिसका मकसद है आदिवासियों के अधिकारों को सुनिश्चित करना, उसका सुरक्षा करना और उसका संरक्षण करना। विश्व आदिवासी दिवस मनाने के पीछे दो तरह का इतिहास है। एक इतिहास है जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से शुरू होती है और दूसरा इतिहास जो है वो अमेरिकी देशों के आदिवासियों के आंदोलनों से शुरू होता है। आदिवासियों के मुद्दे को लेकर सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने आवाज उठाना शुरू किया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है। ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने 1957 को सबसे पहले एक दस्तावेज जारी किया जिसको कहते हैं इंडिजिनस एंड ट्राइबल पॉपुलेशन कन्वेंशन 107, उसको कह सकते हैं आईएलओ कन्वेंशन 107। यह आदिवासी अधिकारों को लेकर पहला अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने इसी आईएलओ कन्वेंशन 107 का विस्तार किया 1989 में और उस दस्तावेज का नाम दिया इंडिजिनस एंड ट्राइबल पीपल्स कन्वेंशन 169। इस दस्तावेज के द्वारा आदिवासियों के नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के साथ साथ उनकी जमीन इलाका और संसाधन के बारे में बात की गई, उस पर उनको अधिकार के देने के बारे में बात की गई, उनकी सुरक्षा के बारे में बात की गई। और इसी दस्तावेज के आधार पर यूएन ने 13 सितंबर 2007 को आदिवासी अधिकार घोषणा पत्र जारी किया। या हम कह सकते हैं कि आईएलओ कन्वेंशन 169 जो है वो एक तरह से मौलिक आधार है आदिवासी अधिकार घोषणा पत्र का। आदिवासी दिवस मनाने के पीछे अमेरिकी देशों के आदिवासियों का बहुत बड़ा हाथ है। अमेरिका में 12 अक्टूबर को कोलंबस दिवस मनाने की प्रथा लंबे समय से चलती आ रही थी, लेकिन आदिवासियों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि कोलंबस जो है उपनिवेशी शासन व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। और उसी दिन जो है उन्होंने आदिवासी दिवस मनाने की मांग की। 1989 में अमेरिकी आदिवासियों ने विधिवत रूप से कोलंबस दिवस के स्थान पर आदिवासी दिवस मनाना शुरू किया। इसका परिणाम यह हुआ कि 12 अक्टूबर 1992 को अमेरिकी देशों के कई राज्यों के सरकारों ने इसको एक तरह से एक सरकारी दिवस बना दिया आदिवासी दिवस को। यह एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। अमेरिकी देशों के आदिवासियों के दबाव में आकर संयुक्त राष्ट्र संघ को आदिवासियों के अधिकारों को लेकर
एक अंतरराष्ट्रीय कार्य दल का गठन करना पड़ा और इस कार्य दल की पहली बैठक 9 अगस्त 1982 को हुई। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र पर निरंतर दबाव बढ़ता गया और अंततः संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1993 को आदिवासियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित कर दिया। इतना ही नहीं, 23 दिसंबर 1994 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने आदिवासियों का प्रथम दशक घोषित किया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 23 दिसंबर 1994 को और एक बड़ा कदम उठाया। 1994 से 2004 तक इस एक दशक को आदिवासियों का प्रथम दशक घोषित किया और उसी समय में यह भी घोषणा कर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय कार्यदल के प्रथम बैठक के स्मरण में पूरी दुनिया में 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाएगा। और इसी के बाद पहली बार 9 अगस्त 1995 को विश्व भर में आदिवासी दिवस मनाया गया। कई साथियों को यह भी कंफ्यूजन होता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने आदिवासियों के अधिकारों को लेकर 13 सितंबर 2007 को घोषणा पत्र जारी किया, लेकिन 13 सितंबर को आदिवासी दिवस क्यों नहीं मनाया जाता है, 9 अगस्त को क्यों मनाया जाता है? तो मैं उम्मीद करता हूं यह कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। देखिए, हमें बार बार याद रखना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यदल बनाया था आदिवासियों के अधिकारों को जो है कि एक जगह लाने के लिए, या क्या आदिवासियों के अधिकार होंगे, कौन कौन से अधिकार होंगे, उन सारे चीजों का ड्राफ्ट बनाने के लिए उन्होंने कार्यदल बनाया था। और अंतर्राष्ट्रीय कार्यदल की पहली बैठक 9 अगस्त को हुई थी, इसीलिए उसी की याद में हम लोग विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं। और साथियों, मैं यह जरूर कहना चाहूंगा, 9 अगस्त हम लोग के लिए, आदिवासियों के लिए सबसे बड़ा त्योहार है। हमारा जितना भी त्योहार है, पारंपरिक त्योहार हैं और भी त्योहार है जो भी मनाते हैं, लेकिन हमें 9 अगस्त को सबसे बड़ा त्योहार के रूप में मनाना चाहिए, क्योंकि यदि हमारे अधिकार नहीं होंगे तो हम जो है कि कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारी जिम्मेवारी यह होना चाहिए कि यूएन डिक्लेरेशन 2007 को हम जल्द से जल्द हमारे देश में लागू करवाने के लिए हमारे जो एमपी हैं, एमएलए हैं, उनके ऊपर दबाव बनाएं, उनको इसके बारे में बताएं। जिस दिन संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा पत्र हमारे देश में लागू हो जाएगा, ये कानूनी रूप ले लेगा, उस दिन से हमारे सारे अधिकार सुरक्षित हो जाएंगे। हमारी आदिवासी पहचान, हमारी भाषा, संस्कृति, परंपरा, हमारी जमीन, जंगल, इलाका, सब कुछ जो है कि सुरक्षित हो जाएगा और हम लोग जो है कि गर्व से कह सकेंगे हम आदिवासी हैं। लेकिन सबसे पहले हमें अभी भी गर्व करना चाहिए हम आदिवासी हैं। हमारा जो फिलोसफी है वो दुनिया में श्रेष्ठ है। हमारा फिलोसफी जो है दुनिया को बचा सकता है। जिस तरह से पूरी दुनिया जो है कि खत्म होने की स्थिति में है, वो उसको आदिवासी फिलोसफी बचा सकता है। जोहार।